किसान भाइयों, राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे यहां फिर से हार्वेस्टिंग हो रही है। एक बार हमारे यहां बीच में भी हार्वेस्टिंग हुई थी, वह बिल भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, आज हमारे यहां वीएनआर पर हार्वेस्टिंग हो रही है और हमारे 3000 जो वीएनआर के प्लांट है उन पर हमने जो बैगिंग की थी वह माल अब स्टार्ट हो गया है। अब ये हफ्ते से हफ्ते चलता ही रहेगा। किसान भाइयों, आज हमारे यहाँ जो हार्वेस्टिंग हो रही है इसका अनुमान हमको 500 से 600 पेटी का है। 50 से 60 क्विंटल माल निकलने की उम्मीद है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमारे यहाँ वीएनआर का साइज भी हमने मेंटेन इसको रखा है। ज़्यादा और साइज में मंडियों में रेट नहीं मिलते। ज़्यादा बैगिंग के वजह से फलों पर कलर आ गया है कम साइज पर। आप देख सकते हो इस तरह से पूरा बढ़िया कलर आ गया है। किसान भाइयों, अगर ज़्यादा और साइज रहता है तो फिर मंडियों में रेट कम आते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा बैगिंग की कि कम साइज पर अच्छे से कलर आ जाए। अभी इस तरह का फल मंडी में बहुत डिमांड है। ज़्यादा और साइज का बिकने में प्रॉब्लम आती है और अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए ज़्यादा पीला भी कलर होने देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हरे फल की हार्वेस्टिंग करेंगे तो मंडी पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमारे यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, 24 घंटे गाड़ी में माल जब जाता है, अभी हाई टेम्परेचर है तो माल ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा पीला माल नहीं होने दे रहे हैं। अभी गर्मी में हम जितना माल हार्वेस्टिंग करेंगे हरे कलर का ही करेंगे तो मंडी जाते जाते उस पर कलर और अच्छे से आ जाएगा और माल ख़राब होने के परसेंटेज कम रहेंगे। ये किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी ही जा रहा है, जो भाव भी बिकेगा वह बिल भी हम वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप किसान भाइयों, हमारे यहाँ कंटिन्यू बैगिंग भी चलती रहेगी, हार्वेस्टिंग भी चलती रहेगी। जितनी हार्वेस्टिंग होगी वह सब आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।